हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मिठाई, जिसके लिए सामग्री लगेगा तो हम बता देते हैं। देखिए, हम एक कटोरी भर के बड़े वाले कटोरी से हम इसमें लिए हैं, ये एक कप है गाइस, तो इससे हम आधा कप लिए हुए एक दूध, और इधर हम लिए हैं दूध, ये मिल्क पाउडर है ये लिए हुए, और आधी कटोरी हम भर कर चीनी लिए हैं। इधर हम इस तरह से बारीक बारीक काट कर, इधर हम बादाम लिए हैं, थोड़ा सा हम देसी घी, और ये मक्खन ब्रेड लिए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए, हम गैस अभी नहीं जलाए हैं गैस, इसी में हम डाल देंगे दूध। तो अभी गैस नहीं जलाना है आपको। तो देखिए, इस तरह से हम दूध डाल दिए हैं। अब इसी में हम डाल देंगे चीनी। अब चीनी जितना मीठा आप खाते हो उतना डाल सकते हैं। तो इसी में हम चीनी डाल दिए हैं। अब इसी में हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं ये घी, एक चम्मच भर के। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसको भी हम गैस नहीं जलाए हैं, देखिए अभी इसको हम इसी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप गैस जला कर आप बनाएंगे तो ये मिठाई अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मिल्क पाउडर जो है इसको हम अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगा गैस। तो इस तरह से भी हम घोल लेते हैं। तो देखिए गैस, इस तरह से हम फेंट लिए, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हम फेंट लिए, और ये घी है। तो अब चलते हैं, हम गैस को जला लेते हैं, तो ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम गैस जला लेते हैं। देखिए गैस, हम गैस जला लिए, अब इसको हम लगातार पकाएंगे। इसको चलाते हुए हम लगातार इसको पकाएंगे इस तरह से, कि ये दूध हो जाएगा गाढ़ा। तो देखिए, इस तरह से हमको पकाना है। तो देखिए गाइस, इस तरह से हम ब्रेड ले लिए। ब्रेड का ये जो किनारे का पार्ट है इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम काटेंगे, इसका जो ये काला वाला पार्ट है इसको हम काट के निकाल देंगे। तो ये फेंकिएगा मत, ये ब्रेड क्रम बनाने के काम आएगा। तो देखिए, इस तरह से हम काला वाला पार्ट इसका निकाल देते हैं, इस तरह से काट के। इसका मिठाई बहुत ज़बरदस्त बनता है गाइस। तो अगर आप लोग का कभी मीठा खाने का दिल चाहे तो इसी तरह आप मिठाई बनाइएगा। देखिए, इसका काला वाला पार्ट हम इस तरह से निकाल देंगे। अब इसी को हम देखिए मिक्सर जार में इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, मिक्सर जार ले ली, इस तरह से अब इसको हम तोड़ लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसमें तोड़ देंगे। इसी तरह तोड़ के हम इसको मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम दूध इस तरह से खूब गाढ़ा इसको करना है हमको। तो देखिए, जैसे रबड़ी बनता है उस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा दूध पक रहा है, और इधर हम ये अपना ब्रेड भी इस तरह से हम पीस लिए हुए हैं। देखिए इस तरह से अब दूध हमारा गाढ़ा एकदम हो जाएगा मलाई की तरह, तब उसमें हम ये ब्रेड डालेंगे। और इधर हम इलायची भी लिए हुए गाइस, हरी इलायची है। तो इसको अच्छी तरह से हम कूट कर इसमें डाल देते हैं दूध में। दूध को इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, इस तरह से हमें ये रबड़ी की तरह थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो इसी तरह हम इसको पकाएंगे। तो देखिए गाइस, हम इलायची पाउडर इस तरह से पीस लिए, अब इसको भी डाल लेते हैं ये दूध में। आपको इलायची पाउडर का अगर फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं गाइस। तो देखिए, इस तरह से हम दूध को खूब गाढ़ा कर लेंगे। इस तरह से, तो देखिए हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। देखिए, हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है गाइस। इसी तरह हमें लगातार चलाते रहना है।
देखिए गाइस, हमारा दूध यह गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये ब्रेड। तो इस तरह से देखिए हम सारा ब्रेड डाल देते हैं। तो देखिए सारा ब्रेड इस तरह से हम डाल देते हैं गाइस। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए गाइस इस तरह से आप इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। इस तरह से लगातार आप चलाते रहिएगा। तरह से देखिए इसी तरह आप लोग को पकाना है। तो देखिए गाइस हमारा ये मिठाई बन गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, ठंडा हो जाएगा तब इसका हम बर्फी के शेप में इसको काटेंगे। तो देखिए गाइस हमारा ये बैटर ठंडा हो गया। अब इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम थाली लिए, उसमें हम घी लगा लिए हैं। तो घी लगा लेंगे तो आपके हाथों में ये चिपकेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हम इसको गोले आकार में इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम जो ड्राई फ्रूट रखे हैं इस तरह से हम रख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से हम इसमें लगा लेंगे मिठाई में। इस तरह से हम लगा कर इसको हम सेट कर होने के लिए फ्रीज में रख देंगे। ये थोड़ी देर के लिए सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए गाइस हमारा मिठाई बनके रेडी हो गया। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये मिठाई का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।